तो मैं वन में भजन के लिए नहीं जाते। उन्नति का सबसे बड़ा रास्ता क्या है भैया? अपमान और निंदा। नेता सुभाष चंद्र बोस जी से ये पूछा गया कि उन्नति का सबसे बड़ा रास्ता क्या है, तो उन्होंने बताया अपमान और निंदा। जिसका अपमान होता रहेगा, निंदा होती रहेगी, वो सदैव आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। जिसकी बेइज्जती होती रहेगी, अपमान होता रहेगा। निंदक नियरे राखी पलकन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल देह बनाए। उन्नति का सबसे बड़ा रास्ता है अपमान और निंदा। जिसका अपमान होता रहेगा, निंदा होती रहेगी, वो इंसान सदैव आगे बढ़ता रहेगा। याद रखना लोगों। मौसी के पास पहुंचे, मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। ध्रुव कहने लगे मौसी दरवाजा खोलो, मौसी दरवाजा खोलो। बांदी सकी जहर ले आ, हमने लला को गाल ही गाल मारो, मुंह कैसे दिखाए। बांदी कहने लगी जहर रण फांसी दे ले, अब तो ज्यादा जवानी आती तो लगुआ को मारो, अब जहर मंगाए नहीं। तो ध्रुव बोले मौसी नहीं मारती तो मैं भजन के लिए नहीं जाता। वहां से चली, धर्म मौसी के ही पास क्यों गई? मौसी को बुराने लगे। भगवान राम जब वनवास से लौटे तो सबसे पहले किसके पास गए? कैकेयी के पास। क्यों? मौसी को बुराने लगे। अरे मौसी, याद रहे लोगों, अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ रोते रोते लोगों अंधी हो गई। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी भगवान को पाने की। ये पूजा थी उस माँ की, जिस दिन से ध्रुव गए भोजन की कौन कहे, माँ ने पानी तक नहीं पिया। एक ही रटन लगाए रही कि भगवान मेरा खिलौना तेरे पास में आ रहा है, उसका ध्यान रखना। याद रखना लोगों, जो माँ की सेवा नहीं करते वो पुत्र जन्म भर रोते हैं। भगवान का रड़ चुप सकता है, मैया से उरड़न होते हैं। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है, माँ बच्चे की प्रथम गुरु है, और माँ ही पुत्र के लिए भगवान है। माँ बाप से बढ़कर के संसार में लोगों कुछ नहीं है। अगर घर में पुत्र के माता पिता दुखी है, चाहे वो लड़का कितने भी दान पुण्य धर्म कर ले, तीर्थ कर ले, उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर घर में माँ बाप संतान से खुश है, दुनिया में उसे कोई हराने वाला नहीं है लोगों। और मैं तो सच कहेंगे कि मैया